शाम सवेरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज रेसिपी इज़ शाम सवेरा कोफ्ता इन मखनी ग्रेवी। पालक और पनीर की जो बहुत ही अच्छी दोस्ती है, जो हम सबको बहुत पसंद आती है, वो वाली दोस्ती को हमने थोड़ा अलग तरीके से पेश किया है। वो है शाम सवेरा कोफ्ता के रूप में। शाम यानी कि बाहर का जो पालक का आउटर लेयर होता है एंड सवेरा यानी कि पनीर का अंदर लेयर होता है, उसको हम मखनी ग्रेवी के साथ सर्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट टेम्प्टेड। सबसे पहले हम आउटर लेयर यानी कि शाम बनाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा बेसन लिया है, जिसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जहाँ तक वो अरोमा देने लगता है, अच्छी सी एक खुशबू देने लगता है, तब तक हम उसको रोस्ट कर लेंगे। ड्राई ही रोस्ट करेंगे यहाँ पे और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो रहा है तब तक हम पैन में घी डाल देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। ये पूरा ग्रीन आउटर लेयर रेडी करना है हमें, तो उसके लिए हमने अदरक मिर्ची की पेस्ट भी यहाँ पे डाल दी है। हरी मिर्च है तो तीखापन के लिए हरी मिर्च ही यूज़ करेंगे। बिल्कुल हल्की सी हल्दी डाली है क्योंकि वो ग्रीन कलर को और भी एनहांस करेगी। और ब्लांच्ड की हुई पालक यूज़ की है। पालक ब्लांच्ड कैसे की है, तो उसके लिए मैंने गरम पानी में पालक को बॉईल किया है और उसको एकदम ठंडे पानी में निकाल के फिर उसको प्योरे बना ली है। तो हम यहाँ पे पालक जब तक पक रही है तब तक दूसरे मसाले रेडी कर देते हैं। उसके अंदर कसूरी मेथी डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, धनिया जीरा पाउडर और गरम मसाला। जब तक ये सारी चीज़ें हम मिला लेंगे, अभी आपको लग रहा है कि इसमें पानी का पार्ट ज़्यादा है, बट जैसे ही हम अपना रोस्टेड बेसन डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसका टेक्सचर जो है वो एकदम परफेक्ट बन जाएगा। धीरे धीरे उसको चलाना है बस। अपना बेसन जो है वो रोस्टेड है, वो सारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो सोख कर लेगा यहाँ से। तो नाउ वो पैन छोड़ रहा है, तो हमारा आउटर लेयर जो है वो रेडी है, शाम लेयर वो रेडी है। हम ग्रेवी के लिए प्रिपरेशन कर देते हैं। पहले एक पेस्ट बनानी है हमें टोमेटोज़ एंड कैशू की। उसके लिए हमने थोड़ा सा घी लिया है और सूखी कश्मीरी लाल मिर्च ली है, जिससे वो कलर अच्छा देगा हमें। जैसे ही वो गर्म होता है उसमें कैशूज़ डाल देते हैं। कैशूज़ ज़्यादा जलने नहीं चाहिए, जैसे ही हल्के ब्राउन होते हैं हम उसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालते ही हम उसमें रफली चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे। ये टमाटर को हमें एकदम गलने तक पकाना है, तो इसको नमक और थोड़ा सा पानी डाल के हम ढक कर रख देंगे, पकने देंगे। उसको टाइम लगेगा क्योंकि वो धीरे धीरे, वैसे टमाटर जल्दी गल जाते हैं, लेकिन हमें पूरा गला देना है उसको। जब तक सॉफ्ट होता है टमाटर, तब तक हम कोफ्ता की दूसरी प्रिपरेशन करते हैं, दैट इज़ सवेरा। यहाँ पे होममेड पनीर मैंने लिया है, आप बाहर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हाथ से क्रम्बल कर दिया है, आप उसको कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक और चायफिल पाउडर और काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। हल्का सा गरम मसाला भी लिया है, वो उसको फ्लेवर एकदम अच्छी देगा। और गरम मसाले की रेसिपी भी हमने दी हुई है पहले। अभी जो हमारा सवेरा पार्ट है उसके एकदम छोटे छोटे से गोले बना देंगे, क्योंकि ये गोले का आउटर लेयर भी आएगा तो ओवरऑल जो कोफ्ता है वो बड़ा बनेगा, इसलिए यहाँ पे ये बॉल्स छोटे ही बनाएंगे। अभी हम टोमेटोज़ को भी चेक कर लेते हैं। टोमेटो पूरे गल चुके हैं, तो गैस स्विच ऑफ करके पानी डाल के हमें उसे ठंडा होने तक रख देना है। उसको एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं आ जाता तब तक उसे हम रहने देते हैं। साइड बाय साइड हम अपने कोफ्ता प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले आउटर लेयर पालक का जो है वो ले लिया है। जैसे हम कटोरी बनाते हैं वैसे ही पालक के लेयर की थोड़ी सी कटोरी टाइप शेप बनानी है। और वाइट वाला सवेरा पार्ट उसको वो शाम पार्ट के अंदर ऐसे पैक कर देना है पूरा, जैसे कि बिल्कुल भी वो वाइट पार्ट ना दिखे। अगर ज़रूरत पड़ी, आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा ड्राई हो रहा है आउटर लेयर, तो आप हल्का हल्का पानी वाला हाथ करके भी वो बना सकते हैं, क्योंकि वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो तलते टाइम में टूट सकता है। तो बस वही एक ध्यान रखना है कि उसको क्रैक्स नहीं होनी चाहिए। अगर क्रैक्स आ रही है तो आप पानी थोड़ा सा लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा कोफ्ता जो है वो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा बनेगा यहाँ पे। अभी साइड बाय साइड टमाटर भी एकदम ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो उसको हम एकदम बारीक पीस लेंगे मिक्सर के अंदर। बिल्कुल भी वो मोटा नहीं रहना चाहिए। तो बारीक, क्योंकि हमें मखनी ग्रेवी चाहिए, तो बारीक पिसा हुआ हमारा टमाटर का जो पेस्ट है उसको हम यहाँ पे छान लेंगे। ये मखनी ग्रेवी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज छानने से वो टमाटर के सारे जो छिलके हैं वो निकल जाएंगे और एकदम मखमली मखनी ग्रेवी हमारी रेडी हो जाएगी। सो मखनी ग्रेवी को पेस्ट जो रेडी हो गई है उसको हम तड़का लगा देते हैं। 2 टेबलस्पून जितना तेल लिया है यहाँ पे हमने, और थोड़ा सा और घी डाल देंगे। घी से ही उसका जो ओरिजिनल टेस्ट है वो अच्छा लगेगा। खड़े मसाले सारे हमने ऐड कर दिए हैं ये स्टेज पे, और धीरे धीरे करके हम सारा मसाला भी कर देंगे। सबसे पहले जीरा, जैसे जीरा गर्म होता है हम उसके अंदर डाल देंगे अदरक मिर्ची का पेस्ट। अगेन आप तीखा कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। सारे मसाले डाल देते हैं, हल्दी डाल दी है हमने, मिर्ची धनिया जीरा पाउडर भी डाल देंगे, और फिर उसके अंदर जाएगा गरम मसाला एंड किचन किंग मसाला। किचन किंग मसाला जो है वो फ्लेवर और एनहांस करता है, उस डिफरेंट टेस्ट होता है उसका खुद का, जिससे कोई भी अगर नॉर्थ इंडियन स्टाइल में आप ग्रेवी बना रहे हो तो वो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है उससे। तो यहाँ पे हम सारा सब कुछ मिला देंगे और कवर करके थोड़े टाइम के लिए उसको कुक होने देंगे। आपको जब लगे कि वो थोड़ा सा 2-4 मिनट तक कुक हो चुका है तो आप ये स्टेज पे यहाँ पे थोड़ा सा चीनी एंड मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए। मिल्क पाउडर से वो उसका क्रीमी टेक्सचर और भी क्रीमी हो जाएगा और हमारी मखनी ग्रेवी हमें एक्चुअल में मखमली जैसी, मक्खन जैसी टेस्ट करेगी। सो नाउ गेट बैक टू अवर कोफ्तास। कोफ्ता को यहाँ पे कॉर्नफ्लॉर पे हम डिप करके फिर उसको एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर को छान के फिर उसको शैलो फ्राई करेंगे। आप देख रहे हैं ये पूरा डिप नहीं हुआ है, दैट इज़ वी आर डूइंग शैलो फ्राई। और उसको आप हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक आपको पकाना है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पकी है, कुछ भी अंदर इंग्रेडिएंट्स एक भी कच्चे नहीं है, तो जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। मीडियम फ्लेम के ही आपको फ्राई करना है। सो फ्रेंड्स, अवर ग्रेवी विथ शाम सवेरे कोफ्ता इज़ रेडी टू सर्व। You can serve it with लच्छा पराठा, नान और रोटी और कुलचा, anything you want. So you can have it with your family and friends and enjoy. If you like my video, do subscribe my channel. Thank you so much for watching.